हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुदस्सर अली फ्रॉम द चैनल मुदस्सर अली। और मेरे चैनल को आपने देखा भी है, आप व्यूज़ भी दे रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नए से नए जो पेपर्स हैं या फिर एमसीक्यूज़ हैं, मैं उनसे आपको अप टू डेट रखता रहूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कौम की खिदमत करूँ और सर्विसेज देता रहूँ। क्यों चाहिए कि अपने इलिटरेसी रेट को हम कम करके लिटरेसी रेट में तब्दील करें। और इस मकसद को आप भी मेरे, ये जो मेरा मकसद है, इसको आप भी मेरे साथ अज़्म रखें कि हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे और अपने कौम की खिदमत करेंगे। क्योंकि जो मेन एलिमेंट है एजुकेशन है, वो अगर हम एजुकेशन की कोशिश नहीं करेंगे पहुँचाने की, तो हमारा ये मुल्क जो है ना, वो एक डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा। और आई डोंट नो कि अब आगे क्या होगा। जो मुल्क की क्वांटिटी है फीमेल एजुकेशन, बहुत ही कम है। 2/3 ऑफ क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन इज़ रिलेटेड विथ लिटरेसी। सो इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द पाकिस्तान। सो एज वेल एज़ एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने फ्रेंड्स को हम आगाह करें इलम से, और उनको कहें कि अब क्या कर रहे हैं आप, ये टाइम वेस्ट ना करें, अपने टाइम को एक प्रोडक्टिव बनाएं, कुछ ऐसा करें जिससे आपकी जो ज़िंदगी है वो बेमानी ना हो। कुछ मकसद होने चाहिए, बे मकसद से बेहतर है कुछ बामकसद होना। अ पार्ट टू ऑफ एमसीक्यूज, जो क्वेश्चन आया था रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर था, और उसमें एमसीक्यूज आए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगाज़ करूंगा और क्वेश्चन नंबर 11 में शुरू करता हूँ। इज कॉल्ड द न्यू टेस्टामेंट इज, जो ओल्ड टेस्टामेंट था वो तौरेत था, और जो न्यू टेस्टामेंट है वो इंजील है। इंजील को बाइबल भी कहते हैं, आप इंजील कहें या बाइबल कहें, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो इंजील जो किताब है, आजकल जो हम होली बुक्स में रिलेटेड करते हैं, तो इंजील इज़ द वेरी, जैसे कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट है ये आजकल के दौर से इंजील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द क्लेम विच मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड विच मेंटेन्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है जिसम का, वो कौन सा ग्लैंड है जो हमारी बॉडी को एक बैलेंस्ड रखता है टेम्परेचर में, तो वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर 13 इज रिलेटेड विद द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। जो पीएच होता है ह्यूमन ब्लड का, वो किसके बिटवीन होता है, तो वो है 7.35 टू 7.45, इन दोनों के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द गैस विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन बलून्स एंड एयरशिप्स इज कॉल्ड। तो जो हीलियम है वो एयरशिप में भी इस्तेमाल होती है और बलून्स में भी इस्तेमाल होती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि जो हीलियम गैस है वो इन दोनों चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान इज बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, ओके, जो लार्जेस्ट रिवर है दुनिया की, वो है नील रिवर, ये तो दरियाए नील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द करेंसी, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। तो जापान की करेंसी का नाम, नो डाउट, इट्स येन, YEN। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एनिमल, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज, वो क्या है, पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो है मारखोर, हम कहते हैं। ये बहुत ही कम पाया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही एक बोल्ड एनिमल है पाकिस्तान का, और हमें इस पर प्राउड होना चाहिए कि हमारा जो कौमी जानवर है वो बहुत ही अच्छा दिखने में है, हेल्दी एनिमल, एंड बाय शेप इट इज़ वेरी रॉबस्ट एनिमल बाय लुक्स। तो हमें
प्राउड होना चाहिए हमारे मुल्क का जो एनिमल है मारखोर है। थैंक्स मारखोर, तुम हमारे कौमी जानवर हो। फर्स्ट फोर्ट विच ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वाज, तो उसका नाम क्या था? जो फोर्ट थी इंडिया की पहली ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी, तो उसका नाम क्या था और वो किस जगह पे वाक़े है? तो उस फोर्ट का नाम है सेंट जॉर्ज फोर्ट, मद्रास में वाक़े। ये फर्स्ट फोर्ट था, किला था, जो ब्रिटिश ने इंडिया में बनाया था एज एन आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट ब्रिटिशर्स ऑफ इंडिया इज द सेंट जॉर्ज फोर्ट इन मद्रास। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। तो जो मैंने ये पेपर्स के क्वेश्चंस दिए हैं, ये रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज़ हैं। वो जनरल नॉलेज का पेपर था जो पहली जनवरी 2021 को हुआ था नए साल की आमद में। हमें खुश होना चाहिए कि हमारा नया साल भी शुरू होने वाला है और हमने कुछ भी नहीं किया 2020 में। बहुत रिग्रेट्स भी हैं, कुछ पाया भी, कुछ खोया भी, लेकिन बहुत कुछ रिग्रेट्स हैं क्योंकि कोरोना की वजह से हमें बहुत ही कुछ सहना पड़ा, बहुत ही जाने जो हमारी इंसानियत की कहीं। इट्स अ वेरी आई थिंक वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स फ्रॉम आवर ग्लोब। दैट इज़ वेरी सैड थिंग अबाउट द वर्ल्ड। अल्लाह ताला में हमारी जो ज़िंदगी है, अल्लाह ताला में हमारी ज़िंदगी को आगे बेहतर बनाए और हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लास्ट क्वेश्चन। द एक्चुअल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज, द लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाक स्टडीज़ का। तो जी, तो शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या था? शाह वलीउल्लाह का असल नाम था क्या? कुतुबुद्दीन अहमद। तो कुतुबुद्दीन अहमद है शाह वलीउल्लाह का पूरा नाम, सैयद कुतुबुद्दीन अहमद। सैयद कुतुबुद्दीन अहमद। जी, तो हम ये मैं इसीलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको जो याद करने में बहुत ही आसान हो, जिस तरह से मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह से मैं कोशिश करता हूँ याद करने की, उस तरह से आप भी कोशिश किया करें। लफ्ज़ को आप बार बार लेंगे, बार बार ज़ुबान पे खड़ा करेंगे तो आपका वो लफ्ज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि लफ्ज़ों को याद करें और उनको रिवाइज करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जी तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये वीडियो था जो सवाल आए थे ब्लैंक्स एमसीक्यूज़ में आए थे, जो एमसीक्यूज़ को नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें चॉइस नहीं था, इसमें डायरेक्ट जो इंसान का जो बंदे के दिमाग का टेस्ट था। तो ये बहुत ही बहुत अच्छा टेस्ट था, हमें आगे भी पहुंचाना चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन को। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल की लिंक्स शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल को भी बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। अगर आप सपोर्ट करेंगे, अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोज़, तो आप प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स so that they can get the benefit of their study. Allah Hafiz, apna khyal rakhein.